Hello dear students and welcome back to the online classes of Smart Indian Model School. Today in our class we will start a new chapter of accountancy. The name is Cash Flow Statement. Chapter number 6 of Financial Accountancy of Class 12 is कैश फ्लो स्टेटमेंट. बच्चों ये हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. बच्चों जैसे कि आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा होगा दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें ये बताता है कि बिजनेस में कितना कैश फ्लो हो रहा है. फ्लो का मीनिंग बच्चों क्या होगा? फ्लो को तो हम दो सेंस से ले सकते हैं, एक इनफ्लो एक आउटफ्लो, मींस कितना पैसा आया कितना पैसा गया. ठीक है, तो वी कैन से दैट कैश फ्लो इज अ स्टेटमेंट विच शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इन अ बिजनेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स जैसे कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम से वन ईयर एक साल में, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में कितना बिजनेस में कैश इनफ्लो हुआ आया और कितना कैश आउटफ्लो हुआ, मीन्स कितना कैश गया, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट. और इन अदर वर्ड्स बच्चों वी कैन से दैट कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी. क्या होती है ये? समरी होती है ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं कि कैश फ्लो एक समरी होती है किस चीज की? सोर्स. सोर्स मींस के पैसा कहां से बिजनेस में आ रहा है, एंड एप्लीकेशन मींस कहां बिजनेस में पैसा यूज हो रहा है. ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किया जाता है वो प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड. ओके, इसके अंडर में कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है. बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के 2 मेथड्स होते हैं. देयर आर 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. नंबर 1 डायरेक्ट मेथड एंड नंबर 2 इज इनडायरेक्ट मेथड. ओके, बट बच्चों हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड होता है, इसलिए हम सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही स्टडी करेंगे. क्लियर? तो यहां हमने देखा कि मीनिंग कैश फ्लो का क्या है और उसके मेथड 2 बताए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. हमने बच्चों क्या किया कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया. 3 एक्टिविटीज. नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड नंबर 3 इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ओके,
कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स ऑफ थ्री एक्टिविटीज. नंबर वन इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नंबर टू इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड नंबर थ्री इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. हम बच्चों अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट को क्या करते हैं, तीन एक्टिविटीज में डिवाइड कर देते हैं जिसमें हम सेपरेट सेपरेट एक्टिविटीज से फिर ये फाइंड आउट करते हैं कि कितना पैसा किस एक्टिविटी में इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ. जैसे कि सपोज हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहले प्रिपेयर करते हैं, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स जो बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेशन है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जो वर्क है उसमें कितना हमारा कैश इनफ्लो हुआ कि कैश आउटफ्लो हुआ. उसके बाद हम सेकंड एक्टिविटी प्रिपेयर करते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. इन्वेस्टिंग मीन्स जैसे कि हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, किसी मशीनरी में पैसा लगाया, कहीं हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे रिलेटेड हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा इनफ्लो हुआ और कितना पैसा हमारा आउटफ्लो हुआ. नेक्स्ट इज फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, कि हम बिजनेस में कहीं से जैसे लोन लेकर पैसा लगाते हैं या शेयर इशू करते हैं कंपनी के, तो उससे जो पैसा हमारे पास आता है वो आता है किस एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में. अब जब हम किसी से बच्चों लोन ले रहे हैं तो उसको रिटर्न भी करना होगा, तो ये सारे जो बिजनेस को चलाने के लिए पैसे से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वर्क हैं, वो सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जाएंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में. जब बच्चों हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल करेंगे वहां डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं. नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाए, क्यों बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. वी कैन से द इम्पोर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है. नंबर वन इज यूजफुल इन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग. अगर हमें अपने बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग है बच्चों के हमें कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी एक साल के अंदर और पैसा कहां कहां इस्तेमाल होगा, तो उस प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है कैश फ्लो स्टेटमेंट. आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रीवियस ईयर के कैश फ्लो स्टेटमेंट को उठाकर इसके थ्रू अपने फ्यूचर की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग तो बच्चों फ्यूचर से रिलेटेड होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है, कभी पास्ट के लिए तो प्लानिंग नहीं की जाती है ना. जैसे कि आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में प्लानिंग. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज यूजफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट. कैश बजट मीन बच्चों बजट क्या होता, बजट एक स्टेटमेंट होता जो ये शो करता कि कितनी हमारी एस्टिमेटेड रिसिप्ट इनकम होगी और कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा आने वाले साल के अंदर. तो अगर हमें बिजनेस का कैश बजट बनाना है तो हम किसके थ्रू बना सकते हैं, किसकी हेल्प से, कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से इजली प्रिपेयर किया जा सकता है कैश बजट. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज helpful in ascertaining means finding the flow of cash from different activities separately. मीन्स के बच्चों क्या हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को थ्री एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, तो हम वहां पर तीनों एक्टिविटीज से सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट करते हैं कि कितना कहां से कैश इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो. ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज हेल्पफुल इन मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन.
डिसीजन। बच्चों मैंने ये लिया डिसीजन मींस के जो बिजनेस का मैनेजर होता है उसको टाइम टू टाइम बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं रिलेटेड टू डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। सो जैसे कि सपोज अब कैश से रिलेटेड मैनेजर को बहुत सारे डिसीजन लेने होंगे फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, कि कहां पैसा इन्वेस्ट किया जाए कहां पैसा फाइनेंस किया जाए, तो वो किसकी हेल्प से डिसीजन लेगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से मैनेजर इजली डिसीजन ले सकता है। सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स व्हिच कैन शो द इंपॉर्टेंस और यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब बच्चों जब किसी चीज की इंपॉर्टेंस एडवांटेज है तो उस चीज की कमियां भी होंगी मींस लिमिटेशंस। तो अब चलते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस कुछ कमियां भी देख लेते हैं। हर चीज की जब इंपॉर्टेंस कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ कमियां भी होती है। तो हम बच्चों आप अपना देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। लिमिटेशंस नंबर वन लिमिटेशन, सोचिए बच्चों क्या हो सकती है लिमिटेशन? नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कुछ याद आया बच्चों? लिक्विडिटी मींस जो हमने लिक्विडिटी रेशियोज पढ़े थे करंट रेशियो क्विक रेशियो अकाउंटिंग रेशियो में चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो लिक्विडिटी मींस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हमें बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो उसका बेस्ट सोर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है। सो नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी मींस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हम इससे जज नहीं कर सकते। सेकेंड क्या हो सकता है बच्चों? पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग आप पढ़ चुके हो क्लास 11 में भी क्लास 12 में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। विंडो ड्रेसिंग मीन्स क्या होता है कि कुछ डेटा को मिसरिप्रेजेंट करके शो करना ताकि जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में शो हो। जैसे प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं, ठीक। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मेनली पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग हो सकती है मींस डेटा को मिसरिप्रेजेंट किया जा सकता है ताकि रिजल्ट बिजनेस के फेवर में शो। नेक्स्ट क्या हो सकती है बच्चों लिमिटेशन? सोचिए थोड़ा सा माइंड का आइडिया रखना। इट इग्नोर्स नॉन कैश आइटम्स और ट्रांजेक्शंस। जो नॉन कैश आइटम्स होते हैं वो यहां इग्नोर कर दिए जाते हैं, ठीक। नॉन कैश आइटम कौन से हो सकते हैं? लाइक डेप्रिसिएशन है हमारा, ठीक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, इसका बिजनेस पे इफेक्ट तो पड़ेगा, बट भाई यहां पर नॉन कैश आइटम्स को हम देखते ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है नो सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। अच्छा इनकम स्टेटमेंट जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़ा था कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट जो हमें शो करता है कि नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बिजनेस में कितना आया, ठीक है। तो उस इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं हो सकता बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ ये बताता है कि कितना बिजनेस में कैश इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हुआ थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज मींस ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। वेयर एज इनकम स्टेटमेंट हमें ये शो करता है कि बिजनेस में कितना नेट प्रॉफिट और नेट लॉस हुआ। सो इट इज नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। सो दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों हमने आज की वीडियो में जाना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसकी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, किसके अंडर में कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंडर में इसको बनाया जाता है, इसके यूजेस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, ठीक है। यहां तक तो हमने जान लिया है। अब आगे देखते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है जो कि मेन है आपका
किसके लिए? न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर आपको न्यूमेरिकल अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट का करना है सॉल्व, तो उसके लिए आपको सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं बच्चों हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। मेरे पास बच्चों यहाँ पर बोर्ड की हाइट कम है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे अपने पेज को, और हियर वी विल राइट कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इन ब्रैकेट वी विल राइट फॉर द ईयर एंडेड 31st March। जो भी क्वेश्चन में करंट ईयर गिवन होगा, सपोज अगर दो साल का डेटा है 2017 एंड 2018 का, हम यहाँ पर करंट ईयर मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। अब हम इसका फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। सिंपल फॉर्मेट है जो पर्टिकुलर्स अकाउंट, ठीक। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास स्पेस कम है, तो मैंने अपने बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक फॉर्मेट चेंज भी कर दिया, ठीक है। सबसे पहले एक्टिविटी आएगी हमारी यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आफ्टर दैट हम यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, कि हमारा प्रॉफिट टैक्स से पहले कितना है, और इसका सेपरेट कहीं नोट नंबर 1 प्रिपेयर कर लेंगे। सपोज हम यहां बना लेंगे नोट 1। अब इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन आई विल टेल यू। सिंपली एक बता देता हूं मैं यहां पर कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक रिजर्वेंट सरप्लस आता है और दूसरा टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड लिया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला एक रिजर्वेंट सरप्लस आएगा, एक टैक्स आएगा वो भी करंट ईयर का, और एक डिविडेंड आएगा आपका, चाहे वो प्रोपोज डिविडेंड हो चाहे डिविडेंड पेड हो, ठीक है। ये आइटम्स आ जाएंगे इसके अंदर। इसके बाद हम बच्चों लिखेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ठीक। एडजस्टमेंट के बाद हम लिखेंगे एड, किस चीज का एडजस्टमेंट, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। मीन्स जो हमारे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं वो लिख सकते हैं, और इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं NOE, एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आफ्टर दैट थोड़ा सा यहां पर हम स्पेस छोड़ देंगे 2-3 लाइंस का, क्योंकि जो आइटम्स इसमें आने हैं नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम बच्चों कौन कौन से हो गए, एक तो हम देख लेते हैं। जैसे कि सपोज डेप्रिसिएशन हो गया हमारा, ठीक है, और इंटरेस्ट पेड हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, ठीक है, और क्या हो गया बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएंगे हमारे एड में। नेक्स्ट है लेस, इसका अपोजिट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा यहां पर, तो यहां आ जाएगा इनकम्स, ठीक, यहां एक्सपेंसेस लिख देते हैं बच्चों। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं यहाँ क्या आ जाएगा, NOI, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आ जाएगी। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मीन्स जैसे कि सपोज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो जाएगा, और इन सबके अमाउंट बच्चों को फर्स्ट कॉलम में फिल करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसके तुरंत बाद ऑपरेट,
फोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है, यहां तक हम टोटल करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आफ्टर दैट हम अब वर्किंग कैपिटल का बच्चों फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो हम यहां ऐड दोबारा करेंगे, डाउन एरो करंट एसेट, अप एरो करंट लायबिलिटी। यहां डाउन एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज इन करंट एसेट और अप एरो डिनोट कर रहा है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, डिक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी मीन्स अगर करंट एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हमने यहां लिखनी है, और करंट लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो भी नहीं लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हम लेस ले लेंगे स्पेस का, हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। लेस ले लेंगे हम इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, मीन्स इसका अपोजिट, मीन्स इसका अपोजिट यहां ले जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे और यहाँ हमारी एक्टिविटी ये पूरी हो जाएगी, एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आफ्टर दैट बच्चों हम बी एक्टिविटी का मेंशन करेंगे, यहाँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये आइटम्स इसमें आ सकती है। आफ्टर दैट सी एक्टिविटी हम मेंशन करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जैसे मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर थ्री एक्टिविटीज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर वन ऑपरेटिंग, नंबर टू इज इन्वेस्टिंग एंड नंबर थ्री इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में बच्चों क्या क्या आ सकता है हमारा, सपोज इशू ऑफ शेयर कैपिटल, रिडेम्पशन ऑफ लोन, रिडेम्पशन मीन्स रीपेमेंट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी ले सकते हैं, डिबेंचर काइंड ऑफ लोन। ठीक है, ये आइटम्स हमारे इसमें मेंशन हो जाएंगे। आफ्टर दैट जब हम सारे पॉइंट फिल कर देते हैं तो हम तीनों एक्टिविटीज का, ऑपरेटिंग का आंसर, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का आंसर आपस में ऐड किया जाता है। ठीक, अब उससे हम ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारे बिजनेस में नेट इंक्रीज कैश हुआ कि नेट डिक्रीज इन कैश हुआ। अगर आंसर प्लस में पॉजिटिव आ रहा है तो वी विल मेंशन नेट इंक्रीज इन कैश, और अगर आंसर माइनस में आ रहा है देन वी विल राइट नेट डिक्रीज इन कैश। फिर हम अपना आंसर चेक करेंगे। ठीक, चेक कैसे करेंगे कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा होगा बैलेंस शीट उसमें कैश और कैश इक्विवेलेंट गिवन होगा आपको। ठीक है, तो आप तीनों के आंसर में कैश और कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, ठीक है, ऐड कर देंगे। जब वो जो हमारा निकलकर क्या निकलकर आया था, सपोज हमारा आया था निकलकर नेट इंक्रीज इन कैश। ठीक है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब इसमें आप प्लस करोगे तो वो आंसर इक्वल निकलकर आना चाहिए कैश और कैश इक्विवेलेंट करंट ईयर के। जो क्वेश्चन में आप करंट ईयर का कैश और कैश इक्विवेलेंट गिवन होगा वो इसके टोटल के इक्वल आंसर आना चाहिए। अगर इसके इक्वल आपका आंसर आ गया इट मींस आपने पूरा क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व किया। ठीक बच्चों, आज हमने देख लिया कि इसका फॉर्मेट क्या है, कल से स्टार्ट करते हैं हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल्स। कीप रिवाइजिंग दिस, थैंक यू सो मच।